हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द सम्पोर्टेंट टिप्स विच आर रिक्वायर्ड देयर फॉर योर लेक्चरेट प्रेपरेशन फ़ॉर द एस एस तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ये जो लेक्चरेट होता है इसमें क्या रहेगा एक कार्ड रहेगा उसमें चार टॉपिक्स होंगे और उस में से आपको एक टॉपिक लेना है और यू हैव टू स्पीक फॉर दैट टॉपिक फॉर थ्री मिनट्स राइट right? तो ये कार्ड पे चार टॉपिक्स होंगे और उनमें से एक जो है आपको चूज़ करके तीन मिनट्स के लिए बोलना है उसके बाद सेकेंड थिंग है कि आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसमें कि आपको लगता है कि आपको काफ़ी नॉलेज है और अगर आपको नॉलेज है किसी भी टॉपिक में डेफिनेटली यू विल डिलीवर इट वेरी कॉन्फिडेंटली तो उसका अच्छा इम्पेक्ट होगा वहाँ पे उसके बाद उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए आपको डाई मिनट्स मिलेंगे और उन डाई मिनट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चार जो दिए होंगे कार्ड्स पे टॉपिक्स उनको पढ़ना है और वही टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली डिलीवर कर पाएंगे उसके बाद उस पर आपको ब्रेन स्टॉमिंग करनी है ब्रेन स्ट्रॉमिंग मीन्स कि आपको ऑर्गेनाइज करने हैं अपने आइडियाज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उस टॉपिक्स uh, की इम्पोर्टेंट क्या इंपॉर्टेंस क्या है क्या चीज़ है वो जो उसके इंट्रोडक्शन देनी है उसके बाद मेन बॉडी एक्सप्लेनेशन देनी है फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोगे आप और एट लास्ट आप अपना ओपिनियन प्लस कंक्लूज़न दोगे अपना ओपिनियन रख रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इट शोज़ के यू आर आल्सो यूटिलाइजिंग योर माइंड इन ऑर्डर टू कम आउट विद ए गुड सोलूशन तो उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लिया आपने ब्रेन कर ली आप रिपोर्ट uh, करोगे अपना टॉपिक जो आपने चूज किया होगा जी को और उसके बाद प्रोसीड करोगे फॉर डिलीवरिंग द लेक्चरेट इसमें लेक्चरेट में आपके बैच में जैसे अराउंड फाइव टू टेन जो होंगे कैंडिडेट्स होंगे या फिर मोस्टली एट कैंडिडेट्स रहते हैं तो वही सात आठ कैंडिडेट सामने सेमी सर्कल में बैठे होंगे और आप सामने खड़े होकर डिलीवर करेंगे लेक्चरेट और उन सात आठ आपके फ्रेंड्स के बैक साइड में जीटीओ बैठा होगा फिर उसके बाद आपको जी की आइज़ में नहीं देखना है आपको लेक्चर जो डिलीवर करना है अपने फ्रेंड्स की आइज़ में देख कर डिलीवर करना है मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपको रोटेट करते रहना है अपनी आइज़ को उसके बाद आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी जो है वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस में जाना है बिकॉज़ उस टाइम पे आपको फुल जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है बोलने की बिकॉज इन ग्रुप डिस्कशन यू विल फील दैट कि समटाइम्स आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है बट यहाँ पे आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलो और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और अपने जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया अपने जो टॉपिक को है डिवाइड कर दो इंट्रोडक्शन मेन बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव्स और अपना जो ओन ओपिनियन है वो ज़रूर देना है इस बात पे दोबारा दोबारा मैं गौर कर रहा हूँ और उसमें आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं क्वालिटीज़ दिखती हैं वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी किस तरह से आप अपना टॉपिक जो है ऑर्गेनाइज करते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के बारे में इंट्रो दे दो उसकी मेन बॉडी मतलब उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव नेगेटिव्स उसके बाद ओपिनियन प्लस कंक्लूज़न दोगे तो ये एक अच्छा ऑर्गनाइज टॉपिक लगेगा उसके बाद स्पीड ऑफ डिसीज़न कितनी जल्दी आप ढाई मिनट में, में एक तो आपको प्रिपेयर करना है टॉपिक और सेकेंडली आपको चूज़ करना है टॉपिक वो दिख रहा है वहाँ पे और सेकेंड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना है आप में वो दिख रहा है एबिलिटी टू तो इन्फ्लुएंस द ग्रुप अपने टॉपिक्स इस तरह से एक्सप्लेन करना है सो दैट कि आगे जो बैठे हुए कैंडिडेट्स को उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ आए तो ये आपकी एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करना ग्रुप को और आपके कम्युनिकेशन वो तो टेस्ट होंगे बिकॉज़ यू आर स्पीकिंग देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ सो so दैट की प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ आप में आएगी कॉन्फिडेंस अप होगा कहीं भी स्टेज पे खड़े होकर आपको डिलीवर करना बहुत ईजी लगेगा बट इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम देयर इन द लेक्चरेट सो इससे अच्छा है कि आप प्रिपेयर रहें अच्छे से जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्राई टू स्पीक देयर इन फ्रंट ऑफ एवरी और इससे अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है कि आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अपने कलीग्स के साथ अच्छे से इंग्लिश में डिस्कशन कर पाएँ सो उससे भी बेस्ट ऑप्शन ये है मिरर के सामने जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस करें डिलीवर करना लेक्चर कोई भी छोटा लेक्चर लेने और इन केस आपने कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया तो इन फुल डे वट एवर यू डिड यू कैन देयर टू योर सेल्फ़ वही स्टोरी टाइप बना के ख़ुद से बोलो और उसमें मिरर में एक और एडवांटेज है आपको कि आपको खुद पता चलेगा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं वट द अदर पर्सन विल बी थिंकिंग वैन यू विल बी डिलीवरिंग द लेक्चर वो आप खुद एनालाइज कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू मी डेली बेसिस पर ट्राई करो टू टू थ्री अगर टॉपिक्स नहीं कर पाते हो एटलीस्ट वन टॉपिक तो कवर करो ही वो तो आपको जनरल अवेयरनेस आपका बढ़ाएगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यू में आपके ग्रुप डिस्कशंस में इवन के स्टेज वन में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और लेक्चर में तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू तो यही था आज के लिए जो टिप्स थे लेक्चरेट टॉपिक्स के लिए और नेक्स्ट वीडियो में अभी पब्लिश करने वाला हूँ जिसमें कि आपको लेक्चरेट टॉपिक्स बताऊँगा जो डिफरेंट एस में पुट किए जा चुके हैं कार्ड्स में उससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन से एस में कौन से जो हैं लेक्चरेट हैं सो दैट की अगर आपकी एस एस बी डेट आ गई या आपको एस एस बी सेंटर पता है तो यू कैन प्रपेयर वेल फॉर दोज लेक्चरेट विच आर बींग आस्ट अर्यर इन दैट SSB center. Thank you and uh, wish you all the very best. If you are having any query, you can uh, tell me there on my Instagram channel Defense Academy 03. And if you want to have any study material regarding the ACC exam, you can go there on the Telegram and join our Telegram channel ACC exam preparation. We can provide you some of the lecture topics in PDF form there on the Telegram channel also. And uh, any study material regarding the SSB, you can also get there. Thank you and uh, wish you all the very best.